क्लास नॉलेट सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोसे एंड टेन ए. हमारे को साइन ए दिया गया है और हमें निकालना है कोसे एंड टेन ए. साइन ए क्या होता है, क्या दिया है हमें, व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन. ओके बेटा, एंड गिवन में दिया है 3/4 और साइन ए क्या होता है देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यस सोना चांदी तोले मीन्स साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा. तो कोस थीटा क्या होता है, कोसे क्या होता है वो हमें निकालना है और टेन थीटा निकालना है. देखिए अब वी हैव द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिसमें कि हमें परपेंडिकुलर दिया है 3 के एंड हाइपोटेनस दिया है 4 के. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. कौन से थ्योरम लगाने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको लिख के बताना होगा. नाउ एच की वैल्यू है हमारे पास 4 के एंड पी की वैल्यू है 3 के एंड बी हमें निकालना है. उनका स्क्वायर कर दीजिए एंड बी को एक साइड में ले आइए एंड 4 के का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर -9 के स्क्वायर एंड वी आर गेटिंग 7 के स्क्वायर. ओके बेटा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है. अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है बी. सो ये √7 के आ जाएगा. बी आया हमारा, ये निकाला हमने √7 के. नाउ कोसे क्या होता है, कोसे होता है बी बाय एच. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एच विच बी वी हैव फाइंड आउट, √7 के, √7 के बाय 4 के एंड दैट इज इक्वल टू √7/4. अब टेंजेंट ए क्या होता है, वो होता है आप सीधा भी लिख सकते हैं इस तरीके से साइन ए बाय कोस ए लिख सकते हैं, उनकी वैल्यूज लगा दीजिए, या फिर यू कैन राइट लाइक दैट पी बाय बी. पी क्या था, 3 के, यस 3 एंड बी था हमारा √7 के. तो जब हमने साइन ए की वैल्यू लगाई कोस ए की वैल्यू लगाई तो 4 से 4 कट कर दिया एंड वी आर गेटिंग 3/√7. अदरवाइज हम सीधा सिंपली ऐसे लिख सकते हैं पी बाय बी 3k/√7k, के से के कट एंड वी आर गेटिंग अगेन 3/√7k. सो बोथ दीज आर द आंसर्स, बोथ दीज आर द वैल्यूज ऑफ कोस ए एंड टेन ए. ओके बेटा, तो बहुत सिंपल है. पहली बात आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए ये वाला स्लोगन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेंजेंट थीटा. फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर आप उन सब की वैल्यूज रख दीजिए एंड देन यू कैन डू दिस सम वेरी इजीली. ओके बेटा, 10th क्लास नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू ए एंड पी कोस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू बी, दीज टू वैल्यूज आर गिवन टू अस एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट वॉट, पी प्लस ए बाय क्यू प्लस बी प्लस क्यू माइनस बी बाय पी माइनस ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके बेटा, तो देखिए क्या करते हैं, हमने दोनों के दोनों गिवन इक्वेशंस को लिख लिया एंड देन वी आर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस. देखिए मैंने स्क्वेयर कर दिया है दोनों को एंड देन अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. राइट बेटा, देखिए वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस क्यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2pq साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. इन द सेम वे वी कैन राइट दिस फॉर्मूला ऑल्सो एंड देन वी आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 3rd and 4th. आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशंस व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग, देखिए ये हमने पी स्क्वेयर कॉमन लिया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा आ गया एंड वेन वी आर टेकिंग क्यू स्क्वेयर कॉमन तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस को स्क्वेयर थीटा अगेन आ गया, ये कट हो गया है और ये आया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. नाउ यू नो वॉट, वॉट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस को स्क्वेयर थीटा होता है 1 के बराबर. ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ओके बेटा, इसको लर्न करना है. तो देखिए ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, बचा क्या, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ए स्क्वेयर को उधर ले जाइए एंड क्यू स्क्वेयर को उधर ले जाइए. अब क्या करेंगे,
फिर से हम एक और अपना फॉर्मूला जो हमेशा यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार दोनों जुड़ जाते हैं एक बार दोनों घट जाते हैं, वो लगा दिया हमने। तो हमारे पास क्या आया, देखिए ये बन गया पी प्लस ए पी माइनस ए, ये बन गया बी प्लस क्यू बी माइनस क्यू। अब क्या करेंगे, पी प्लस ए के नीचे लेके जाएंगे क्यू प्लस बी, एंड इसका माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस क्यू माइनस बी बाय पी माइनस ए। एंड नाउ ये देखिए ऐसे मैं लगा देती हूँ, इसके बाद आपको मूव करना है इधर। देखिए अब इसको हम सारे को इधर ले आएंगे और ये दोनों जुड़ गए हैं एंड द इक्वेशन इज बिकमिंग लाइक दैट। और यही हमें प्रूव करना था, पी प्लस ए पी प्लस ए, क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी, क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी, पी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारी वैल्यू क्या आई, यस हमारी वैल्यू आई जीरो। तो आंसर क्या आया हमारा, जीरो। देखो इतने सारे का आंसर आया जीरो। सो दिस सम वॉज वेरी इजी। कैसे, जब आपको ये सारी बातें आती हों तो दिस सम इज वेरी इजी, अदरवाइज बहुत मुश्किल। और ये आपको फॉर्मूला खोलना आना चाहिए, फिर आप इन दोनों को ऐड करना जानना चाहिए, फिर आपको ये फिर से फॉर्मूला लगाया हमने और इस शेप में ले जा करके उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके बेटा, बेटा 10th क्लास, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज अ वेरी सिंपल सम एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। क्या पूछा गया है, देखिए, प्रूव दैट 4 इंटू साइन 430 डिग्री प्लस कोस 460 डिग्री माइनस 3 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2, 2 के बराबर प्रूव करना है। तो ले लीजिए LHS उठा ली है हमने एंड वी आर गिविंग द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स। ये आपको टेबल बनानी आती है, वो मैंने सिखाई हुई है अपने मैथ में से, आप देख भी सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कोस 60 डिग्री 1/2 एंड कोस 45 1/√2 एंड साइन 90 डिग्री 1, सभी वैल्यूज मैंने लगा दी। ओके बेटा, जब इसका इसको चार बार गुना करेंगे अपने आप से, 2 × 4 × 8 × 16, 1/16 प्लस 1/16 माइनस 3 इंटू रूट टू को रूट टू से करेंगे 1/2 माइनस 1। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट 2/16 माइनस 4 इंटू 2/16 माइनस 3 इंटू माइनस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, देखिए ऐसे 2 1 माइनस 2 इस तरीके से आ जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट, इसको कट कर दीजिए, 4 आ गया और इसको भी कट कर दिया 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/2 एंड व्हेन वी आर टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस वी आर गेटिंग व्हाट, लाइक है, जोड़ दीजिए 4/2 एंड वी आर गेटिंग 2 व्हिच इज इक्वल टू आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। सो इट वाज अ वेरी सिंपल सम, 1-1 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों है इम्पोर्टेंट, देखिए जरा, थोड़ा सा लेंदी भी लगेगा आपको लेकिन बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है, प्रूव दैट 1 + sin θ − cos θ / 1 + sin θ − cos θ² = 1 − cos θ / 1 + cos θ। तो हम क्या करते हैं, LHS उठाते हैं और RHS पर पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं ऊपर का, उसका स्क्वायर स्क्वायर खोलते हैं, देखिए अपनी आइडेंटिटी लगा देते हैं, कौन सी वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लगाने वाले हैं एलजेब्रिक। ओके बेटा, तो हमने क्या किया, पेयरिंग कर ली, इसको ब्रैकेट में डाला, इसको ब्रैकेट में डाला एंड देन इसको ए लिया इसको बी लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, एक बार ये 2ab। अब क्या किया, इसका भी स्क्वायर खोल दिया, देखिए 1² प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 और कोस को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 cos θ 2 sin θ cos θ। ओके बेटा, अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बन गया और ये 1 और ये 1 मिलके 2 बन गया एंड 2 sin θ − 2 cos θ − 2 sin θ cos θ। ओके बेटा, अब हमने क्या किया, इसमें से 2 को कॉमन लिया 1 + sin θ बचा, इसमें से हमने −2 cos θ को कॉमन लिया 1 + sin θ बचा। सिमिलरली वी कैन राइट दिस डिनोमिनेटर पार्ट, दिस वॉज न्यूमिनेटर पार्ट एंड दिस वॉज डिनोमिनेटर पार्ट।
वो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस था, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कोस के स्पेस पे हमने इसको प्लस कर दिया, 2 कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब दिस वॉज डिनोमिनेटर, दिस वॉज न्यूमरेटर, दिस वॉज डिनोमिनेटर, हमने उसी शेप में डिवाइड करके लिख दिया। तो ये क्या निकला, ये देखिए क्या निकल रहा है हमारा, ये जो स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने, राइट बेटा, स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो दिस बाय दिस किया एंड देन वी आर टेकिंग कॉमन 1 प्लस साइन थीटा, 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस कोस थीटा, फिर यहाँ पे देखिए 2 1 प्लस साइन थीटा लिया, 1 प्लस कोस थीटा बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा विच इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देखो 8th की अलजेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है, और क्या लग रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लग रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें कॉमन लेना है, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल सम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर था, इसको भूलना नहीं है, दैट बाय दैट करना है, सो यू कैन डू इट इजीली। यस 10th क्लास, नाउ हियर इट इज अगेन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है, प्रूव दैट 1 प्लस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए माइनस 1 माइनस कोस ए बाय 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 4 कोट ए इंटू कोसेकेंट ए। एल एच एस ले लीजिए और क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया हमने, देखिए 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, इससे डिवाइड करेंगे वी आर गेटिंग 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गेटिंग 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर, माइनस इन द सेम वे इससे डिवाइड करेंगे ये हट जाएगा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए आया 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर। अब फॉर्मूलाज को खोल दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, कौन सा लगाया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट बेटा, एंड और कौन सा लगाने वाले हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। 8th के फॉर्मूले देखो कितना काम आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमने इसको भी खोल दिया, ये प्लस में सारे प्लस हो गए, माइनस का साइन बाहर खड़ा था, देखिए माइनस में माइनस 2 ए बी होता है, और फिर हमने इसको ओपन कर दिया, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए, राइट बेटा, एंड नीचे क्या आया, साइन स्क्वायर ए होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर, ओके बेटा। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। अब इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए, अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दिया, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस एंड वी आर गेटिंग 4 कोस ए बाय साइन स्क्वायर ए, दिस इम्प्लाइज 4 इंटू कोस ए बाय साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए, देखो साइन स्क्वायर ए हो रहा है ना, तो अब क्या बन गया, 4 इंटू ये कोट ए आया और ये आया कोसिकेंट ए, और वो क्या है हमारा, वो है हमारी RHS, सो वी हैव प्रूव्ड इट, ओके बेटा। 10th क्लास, नाउ लेट अस सी अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 12, एंड व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट सेकेंट 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन 4 थीटा माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, ओके बेटा। तो ध्यान से समझना है, इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं समझा तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए सेकेंट 4 थीटा है, इन पावर्स को ध्यान से देखना, देखो ये 4 है, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बन गया हमारा ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जुड़ गए एक बार घट गए, तो वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये 4 है, अगर स्क्वायर होता तो एक बार सिंपली ऐसे जुड़ते, लेकिन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सीकेंट थीटा क्या होता है, हमारा होता है 1 बाय कोस थीटा, हमने 1 बाय कोस 4 थीटा लिख दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है
कोस स्क्वायर थीटा, तो ये सब चीजें आपको लर्न करनी है। तो देखिए उसको लिख दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये फोर कट के स्क्वायर बच जाएगा, ओके बेटा। और अंदर क्या बचा हमारे, अंदर बचा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइड में क्या बचा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख दिया, टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, ओके बेटा। तो देखिए कितनी सारी चीजें लग रही हैं इसमें, टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटाया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड फिर से वही बात लग रही है, ये बन गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, विच इज इक्वल टू आवर आरएचएस, हेंस वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन, ओके बेटा। बहुत ही सिंपल लगेगा अगर आप चीजों को सिस्टमेटिकली लेते हैं, एंड इफ यू हैव लर्नड ऑल द फॉर्मूलाज प्रॉपरली। अगर इनमें से कोई भी एक भी बात आपको नहीं आती है तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, ओके बेटा।